शराबबंदी के बाद से शराब तस्करी बिहार में सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है। आए दिन कहीं न कहीं शराब की खेप पकड़ी जाती है, फिर भी प्रशासन इस पर लगाम लगाने में विफल है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र का है, जहां सकरा थाने के सरमस्तपुर चौक समीप हनुमान मंदिर के पास सकरा थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक पिकअप वाहन से 170 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं छापेमारी की भनक लगते ही कारोबारी भागने में सफल रहे। सकरा थाना एसआई आशीष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि सरमसपुर चौक के हनुमान मंदिर के समीप एक पिकअप वाहन में लाखों की शराब की खेप रुकी हुई है, जिसके बाद उक्त स्थल पर छापेमारी की गई, जहां से एक पिकअप वाहन सहित 170 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया। सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे निकले हुए तो है, पर न जाने शराब तस्करी पर रोकथाम का समाधान कब निकालेंगे। कल गुप्त सूचना मिली थी, गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई तो एक पिकअप लदा शराब जो है बरामद हुआ है, 170 कार्टून शराब है उसमें, जिसकी भी उसमें ये सरमसपुर हनुमान मंदिर से थोड़ा आगे किसी की गिरफ्तारी वगैरह उसमें जिसकी संलिप्तता है उस संबंध में छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ बताया जा रहा है, मतलब वहाँ पे धंधेबाज पहुँचे थे उतारने के लिए या कुछ? वहाँ जो है ना वो मतलब हाईवे पे चलते चलते जो है ड्राइवर था, एक जो ड्राइवर उतर के भाग गया। सूचना मिली, हाँ गुप्त सूचना मिली थी।